रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं और अब वो लंबे समय तक टीम इंडिया की कप्तानी करना उनके लिए असंभव होगा। रोहित शर्मा का वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी और मार्च 2025 में पाकिस्तानी धरती पर खेली जाएगी। 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दर्जा सबसे ऊंचा है। इसे एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। अगर भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लेता है तो वो कुछ हद तक संभव है कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दें। रोहित शर्मा के जाने से टीम इंडिया में एक नए युग की शुरुआत होगी। ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जो वनडे फॉर्मेट में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेने का दम रखते हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही तीन खिलाड़ियों पर। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भारत के वनडे कप्तान बनने के बड़े दावेदार हैं। श्रेयस अय्यर को अगर कप्तानी मिलती है तो वो टीम इंडिया की किस्मत भी बदल सकते हैं। टीम इंडिया का श्रेयस अय्यर जैसा निडर बल्लेबाज और स्मार्ट कप्तान की जरूरत है। श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी की तरह कप्तानी में भी आक्रामकता लाएंगे जिसका टीम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा। श्रेयस अय्यर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं। अपनी कप्तानी में श्रेयस अय्यर ने कोलकाता को आईपीएल 2024 की ट्रॉफी भी जितवाई। श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर के साथ काम करने का भी अनुभव है। नंबर दो हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या में रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनने का दम है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी कपिल देव की शैली को दर्शाती है। अपनी कप्तानी डेब्यू सीजन में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का खिताब जिताया। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते समय धैर्य के साथ खेलते हैं और उन्हें लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का हुनर भी है। हार्दिक पांड्या में कप्तान बनने के सभी गुण हैं। रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या को भारत का अगला वनडे कप्तान बनाया जा सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक बेहतरीन विकेट कीपर और शानदार बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत के पास तेज दिमाग है। ऋषभ पंत में कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद हैं। पंत ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत सीखने में बहुत होशियार हैं और कप्तानी में एक चिंगारी है जो भविष्य में धधकती आग बन सकती है। ऋषभ पंत में भी एमएस धोनी जैसी ही ताकत है। एक विकेट कीपर मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा खेल को समझता है, इसलिए ऋषभ पंत भी एमएस धोनी की तरह कप्तानी में सफल साबित हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन तीनों खिलाड़ियों में किसके अंदर दमखम है कि वो टीम इंडिया की वनडे में कप्तानी कर सकता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे क्रिकेट की तमाम वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।